तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीईसीटी 2024 का जो कैप अलॉटमेंट वन है, कैप राउंड वन का जो अलॉटमेंट लेटर था, वो कॉलेज अलॉटमेंट का जो लिस्ट आने वाली थी वो आ चुकी है, रात में ही आ गई थी। आई होप आप लोगों ने सभी ने अपना अपना कॉलेजेस देख लिया होगा कि कौन सा जो है वो अलॉट हुआ है। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि उनको जो है कोई भी कॉलेज अलॉट होते हुए दिख नहीं रहा होगा। सारे कॉलेज में जा करके अपना नेम चेक कर लिए होंगे, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा होगा। बट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, शाम तक वेट कर लो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका बग होता है उनके साइट पे, तो आपका नेम शो नहीं हो रहा होता, शाम तक जो है सभी शो हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या करना, जितने भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स है उस पर आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक जाएगी, आप अपने कॉलेजेस उसमें फिल करना, ठीक है। आपको कौन से कॉलेज मिला है, कितने परसेंटाइल पे मिला है, ये भी वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना। और अभी कितना कट ऑफ जो है इंक्रीज़ हुआ है, कितने कॉलेजेस का जो है सेम रहा है, हर एक साल की तरह इस साल भी आपको वो कॉलेजेस मिला है, कौन से कॉलेज का जो है कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है, 90 के आसपास रहता था उसका 95-96 चला गया, तो ये सब चीज़ें भी हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिटेल डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर में देखते रहना, ठीक है। और एक बार और बता दूं, जो जो मैंने 90s वाले ग्रुप में जितने मैंने बना करके दिए थे प्रेफरेंस लिस्ट, सभी को लगभग वही कॉलेजेस मिला है, उसी में से मिला है। तो मैंने आप लोगों को जो कॉलेजेस की लिस्ट रेडी करके दिया था, आई होप उसी में से आपको मिला है, बहुत सारे बच्चों को उसी में से मिला है, बहुत लगभग सबको मिला ही मिला है। जिसको नहीं मिला है उसको कैप टू में हम लोग और अच्छे से आपको गाइड कर रहे होंगे वहां पे। जिसको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ कोई बात नहीं, कैप टू और कैप थ्री में भी हम लोग अवेलेबल हैं, और बेटर के लिए भी अगर आप जाना चाहते हो तो भी हम आप लोग के लिए बहुत बहुत हमेशा खड़ा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, ठीक है। तो इसको इस पर क्लिक कीजिएगा तो जैसे ये डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऑल इंडिया की देख रहा हूँ, मैं हर एक साल ऑल इंडिया के बेसिस पे ही बनाता हूँ, इस बार भी है। तो ये देखो आपका जो है 99 एज यूजल गया है, ठीक है। 99 पिंपरी का जो है आपका, जो पिंपरी में बात करता हूँ, 98 एज यूजल। मुंबई MET जो है इतना 98, इस बार थोड़ा सा ऊपर आया है। SIS देखो ऊपर आया है थोड़ा सा, ठीक है। लगभग इधर तक तो सेम है। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसका ऊपर आया। इसका आने का रीज़न ये है क्योंकि मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने इनका फॉर्म फिल किया होगा, इसको ऊपर रखा होगा प्रेफरेंस में, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है। तो इसका जाहिर से मैं सोचा भी था कि ये बढ़ने वाला है इसका कट ऑफ, मैंने भी बहुत सारे प्रेफरेंस लिस्ट में इसे डाला है, बहुत सारे बच्चों का मैंने डाला था यहाँ पे। ये देखो ये भी ऊपर आया है इस बार, नागपुर यूनिवर्सिटी इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर। यहाँ पे क्या होता था, रामदेव बाबा रहा करता था हमेशा, तो वो इस बार तो है नहीं। IMCC एज यूजल 95-96 के अराउंड, इसका भी और सेकेंड राउंड में और कम होगा। फिर आपका ये देखो अकूड़ी का भाई साहब, अकूड़ी का बहुत ज़्यादा हुआ है क्या 2022 में इसका जो कट ऑफ था 2022 या 2021 में 88% पे ये मिल गया था, 88% पे ये अलॉट हो गया था। इस बार इसका कट ऑफ देखो कितना हाई जा रहा है, तो है तगड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी एज यूजल वही है। फिर आपका सिंहगढ़ बदगांव का भी कट ऑफ हाई गया है थोड़ा सा, डेक्कन का भी हाई गया है इस बार, प्रोग्रेसिव का भी हाई गया है, बदगांव का भी हाई गया। तो इन सब कॉलेज का कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाला है, बहुत उथल पुथल होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ कुछ कॉलेजेस के ऊपर गए हैं, कुछ कुछ के नीचे भी आए हैं, और अभी मैं नीचे जाऊँगा तो कुछ कुछ कॉलेजेस के और नीचे आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक और कॉलेजेस का नाम बोल रहा हूँ, उसका मेरे को देखना था, KK वागा का गया है ऊपर, SNDT का एज यूजल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें झील का, ठीक है। आप नीचे बताओ आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और फिर बेटरमेंट के लिए आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और मैं अभी जैसे ही मैं फॉर्म फिल करवा रहा हूँ, एक एक फॉर्म आप लोग फिल जरूर करना, कौन से कॉलेज अलॉट हुआ है, कितने परसेंटाइल पे, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैप 1 का जो है रिजल्ट आ चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, आपको कॉलेज अलॉट हो गया।